नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के न्यायालय परिसर में मौजूद हैं और एक हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आज एक मामले में सजा सुनाई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शासकीय अधिवक्ता श्री भाटे जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे सर, क्या है मामला? अभी 2022 का मामला है जी, और बूंदी थाने का मामला है जी। इसमें आरोपी अनिल के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और उसमें हमने प्रोसिक्यूशन के गवाह आउट किए थे। इसमें विक्टिम जो प्रताड़ित पक्षकार है राजा राम और मया राम, ये दोनों भाइयों को मवेशी चराने के ऊपर से आरोपी अनिल ने उनके ऊपर दराती से हमला किया था, जिससे मया राम और राजा राम को चोटें आई थी। मया राम को गंभीर चोटें आई थी और उसको सिर पे कांख में दोनों बाएं हाथ उंगलियों में पेट पे छाती पर पीठ पे पाँव में सभी दूर चोटें आई थी। गंभीर प्रकृति का अपराध था और विवश तरीके से उसको मारा गया था। तो इसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने ये बात रखी कि ये विवश तरीके से मारपीट की गई है और प्राणघातक है, इसके लिए इनको बिल्कुल छुड़ा नहीं जाना चाहिए, कन्वर्ट किया जाना चाहिए। तब माननीय न्यायालय ने आज आदेश पारित किए, ऑर्डर किए हैं उसमें, और आरोपी अनिल को 7 साल की सजा और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सर ये फैसला देखते हुए न्यायालय की तरफ से कोई टिप्पणी इस तरह के अपराधों को लेकर? न्यायालय ने यही कहा कि सच में इसमें बड़ा उसकी चोटों को नोट डाउन किया था माननीय न्यायालय ने, और उसमें ये डाला था कितनी जगह उसको चोटें आई, पूरा नोट किया गया था। और ऐसे मामले यदि आते हैं तो ये समाज में इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, ऐसे अपराधियों को सजा होनी चाहिए जो इतने विवश तरीके से मारपीट करते हैं और लोगों को आहत करते हैं। जरा जरा सी बातों पर विवाद होते हैं और उसमें ऐसी गंभीर प्रतिकारित करते हैं। वो करीब 78 साल के थे मयाराम, उनको मारा है जो बहुत ही जो सर फरियादी है, तो उनकी जो इतनी उम्र है, इस तरह इस मामले में न्यायालय ने ये चीज़ भी देखी कि भाई आरोपी ने जो हमला किया है या उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया तो वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति का हमला किया, इसलिए इसमें सजा दी जाना जरूरी है? ऐसा नहीं, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, किसी के ऊपर भी यदि इस तरीके से हमला किया जाए तो उसमें माननीय न्यायालय बिल्कुल कन्विक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।